पढ़ लिख बबुआ कलमिये में जान बा। खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। नमस्कार, खुशबू हम इस समय पहुंच चुके हैं मऊ जिला के कोपागंज ब्लॉक के भेलाबाद गांव में, और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं इसी घर में रहकर यहीं के बेटे ने पढ़ाई किया, लिखाई किया, सफलता हासिल किया और आज देश ही नहीं विदेश में भी अपना परचम फहराया है। हाँ, उस महान शख्स का नाम है डॉक्टर राम प्रताप यादव। तो हम पहुँच चुके हैं उस महान शख्स के गांव, उस महान शख्स के जन्मभूमि पे जहाँ से रहकर उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा हासिल की और इसके बाद पूरे देश ही नहीं विदेश में अपना परचम फहराया है। तो हम उस महान शख्स से मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस स्थिति में रहकर, जैसा आप देख रहे हैं कि पिताजी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, मगर बेटे के मन में बेटे ने ये ठान रखा था कि कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे दुनिया सलाम करे। और हाँ, स्थितियों को दरकिनार करते हुए, परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से उस बेटे ने देश ही नहीं, इस गांव का ही नहीं, इस प्रदेश का ही नहीं, जिस तरह से उस बेटे ने पूरे देश का विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे जिस तरह का नाम रोशन किया है, वाकई काबिले तारीफ है। तो हम चलेंगे उस महान शख्स से और बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसे रही उनकी ये यात्रा और कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अब बने रहिए हमारे साथ, किस तरह से इन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले तो सर, मऊ तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ी प्रसन्नता हुई आप जो है हमारा बाइट लेने आए हुए हैं यहाँ पे। आप अपने बारे में बताएं सबसे पहले तो। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से स्टार्ट हुई है, ये मेरे संघर्ष के दिनों का है जिसको आप दिखा रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया शुरू में पढ़ाई, हमारे दादाजी बड़े जागरूक व्यक्ति थे, पढ़ाई के प्रति वो बड़े सचेत थे। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान दिया कि हम हायर एजुकेशन में जाएं और अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, और आज तो वो नहीं है लेकिन जो लव उन्होंने उस समय जगाई थी उसकी आज जो है कि चारों तरफ वही ग्लो फैल रहा है। जो आपने ये सफलता हासिल किया हुआ है रिसर्च के क्षेत्र में, जिस तरह से आपको विश्व के 10 वैज्ञानिकों में तीसरा स्थान मिला है आपको, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह का रिसर्च था और किस पे आप लोग कार्य कर रहे थे और कब से कर रहे थे। देखिए, मेरा रिसर्च फील्ड फ्रैक्टल थियोरी पे है और आज के डेट में 21वीं सदी का सबसे वो चार्मिंग टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बाद, और फ्यूचर में विश्व इस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी के साथ वर्क करेगा। हालांकि ये शोध वर्क तमाम देशों में चल रहा था, US में भी चल रहा था और पहले से चल रहा है, लेकिन जितना तेज़ी कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ इसमें आया हुआ है उसमें हम इंडिया में ये कह सकते हैं कि हम जब वर्क स्टार्ट किए तो इतनी इसमें पॉपुलरिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उस हिसाब से बहुत तेज़ी के साथ फ्रैक्टल स्टडी का फील्ड ग्रो कर रहा है। और हम मानते हैं कि इसको डिफरेंट फील्ड में अप्लाई किया जाएगा, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। हालांकि हमने इसको थीन फिल्म के स्टडी के केस में अप्लाई किया हुआ है और ये सरफेस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए इसको अगर फ्यूचर में सोलर सेल के फील्ड में हुआ, मेडिकल फील्ड में हुआ, तमाम ऐसी फील्ड हैं जिसमें कि इसकी स्टडी की जा सकती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में जैसे कैंसेरियस सेल के स्टडी में कैंसर हो रहा है, उसके स्टडी में अगर इसको करें तो देखेंगे कि जो हेल्दी सेल है उसके डायमेंशन में और जो उससे इफेक्टेड हो रही है उसके डायमेंशन में चेंज होगा, तो जिससे हम इजीली इस टेक्निक को अप्लाई करके ये स्पॉट कर सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम डिजीज़ हो रही है। तो फ्यूचर में इसको बहुत तेज़ी के साथ मेडिकल फील्ड अडॉप्ट करेगी। और फिलहाल अभी जो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ उसको सोलर सेल स्टडी के फील्ड में कर रहा हूँ। फ्रैक्टल स्टडी में सरफेस पे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा जिससे मैक्सिमम जो सन लाइट्स होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू
एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे कि सोलर सेल की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और हमारे जो दूर दराज गाँवों की समस्या है पावर की, पावर कट की समस्या है, उसको हम जल्द ही इस टेक्निक का यूज करके निजात पा सकते हैं। हालांकि ये अभी प्राइमरी स्टेज में है, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और शोध की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरेगा इसमें हम लोग महारत हासिल कर लेंगे और दूर दराज के गांवों में भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना बड़ा आसान हो जाएगा। जिस पे आप लोग रिसर्च किए थे वो कौन कौन सी कंट्रीज के वैज्ञानिक थे आपके साथ, कुछ उनके बारे में साझा करें। फिलहाल हमारे अभी लगभग 10 देशों के साथ कोलाबरेटिव वर्क चलते हैं, जिसमें रोमानिया है, ईरान है, इराक है, ब्राज़ील है और चेक रिपब्लिक है। यहाँ के साइंटिस्टों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिल करके हम वर्क कर रहे हैं और लगभग अभी तक उन लोगों के साथ हमारे 15 के अराउंड शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित होने की उम्मीद करते हैं और हम लोग इस डायरेक्शन में लगातार वर्क कर रहे हैं। बात कर लें, जिस तरह से आपने कहा कि गांव में प्रतिभाग बहुत छुपा हुआ है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है, उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो इस वर्क पे कैसे, इसको किस तरह से किया जा सकता है और उन प्रतिभागियों को कैसे सामने लाया जा सकता है? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही निकले हुए हैं और इस मिट्टी बहुत फर्टिलाइज है, मतलब बहुत यहाँ प्रतिभाएं हैं, उनको एक अवसर देने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि शुरू शुरू में 1-10 या 8वीं तक बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है जिससे कि आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक समस्या होती है कि इकोनॉमिक कंडीशन आती है, हम उस माने में भाग्यशाली हैं कि हमको अच्छा इन्वायरमेंट मिला और एकेडमिकली हमको अप्रोच करने में, पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही अपनी शिक्षा को ब्रेक करना पड़ता है। हालांकि वो मेंटली बहुत साउंड होते हैं, लेकिन अफसोस कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के, इकोनॉमिकली सपोर्ट के अभाव में उनकी एजुकेशन ब्रेक हो जाती है, जिससे वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। शिक्षा दीक्षा की बात कर लें, आपने शुरुआत यहीं भेलाबाद गांव से ही शुरुआत किया, आपने इंटर की बात कर लेंगे, मैट्रिक पास आपने यहीं बापू इंटर कॉलेज कोपागंज से किया और फिर आपकी आगे की शिक्षा दीक्षा आप इलाहाबाद से किए और आज विश्व पटल पे आप जाकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने तरफ से? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग और ख़ास करके युवा वर्ग इस बात को ध्यान दे कि यहाँ से भी रह करके उस मुकाम को पाया जा सकता है। ज़रूरत है एक उचित डायरेक्शन में सोचने की और अपना टारगेट सेट करने की और इस तरह से वो उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। कहा हिंदी में कहा जाता है, एक चीज़ है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले अगर उनके होंगे तो वो किसी भी ऊंचाई को पाने में सक्षम है। पिताजी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, बेटा विश्व में रिसर्च करने जा रहा है, तो इस दौर को कैसे देखते हैं, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। हमारी सोच थी, हम ये सोचते थे, हमारे दादाजी का सपना था, वो अक्सर कहा करते थे कि भोजपुरी में एक कहावत है कि बेटा पढ़बा आपके माई के न बाप के, हमारे दादाजी ये वर्ड कहते थे और उसके आज जितनी बार मैं उन बातों को सोचता हूँ हर बार एक नई चीज़ उसमें मिलती है कि वो बहुत पहले ही बहुत ऊँची चीज़ कह गए थे। कहते कि आप कमाओगे उसमें सब शेयर लेंगे, सबको लगेगा, लेकिन जो ज्ञान होगा ना वो जहाँ आप खड़े हो जाओगे वो केवल आपका होगा, संसार में कहीं हो जाओ आप खड़े, उस ज्ञान के बल पे आप कहीं भी रह सकते हो और कहीं भी अपना स्थान और मुकाम हासिल कर सकते हो। आप उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए एक मैसेज दीजिए, एक ऐसी बात बताइए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं।
इंटर के बाद पे ही मेरिट बेस पे उसको मिलती है, जिससे वो बेसिक साइंस में बीएससी और एमएससी पीएचडी तक उस फेलोशिप के थ्रू वो पढ़ाई अपनी कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि वो एमएससी के बाद तमाम ऐसे नेशनल स्तर के एग्ज़ाम है, जैसे वो जेस्ट दे सकते हैं, गेट क्वालिफाई कर सकते हैं और जेआरएफ दे सकते हैं, सीएसआईआर द्वारा आयोजित होता है, जिसको वो दे करके और आगे बढ़ सकते हैं जेआरएफ हो करके। उनको फेलो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है, जिससे वो अपने शोध कार्य को उचित दिशा दे सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को और जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं लगातार अपना करियर बनाने के लिए? हम एक वर्ड में यही बोलेंगे कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। लाजवाब चीज बोले हैं आपकी, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इसी क्रम में हम डॉक्टर राम प्रताप यादव के जी के चाचा जी मिले हैं, हम इनसे भी जानेंगे, बात कर लें आपसे घर में किसानी बाड़ी खेती बाड़ी से ही। और बेटा जिस तरह से विश्व स्तर पे अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? मैंने इनसे बहुत बड़ी उम्मीद रखा था। इस लड़के को प्राथमिक शिक्षा के समय मैंने बड़ा प्रयास किया और हमेशा इनको बैठाने का पढ़ाने का मुझे शौक़ था। जब भी हम गाय भैंस खिलाते थे तो इनको बैठा करके जाते थे और हम यही कहते थे कि यही तुम्हारा काम है, यही बेटा तुमको करना चाहिए, ये करो, जो तुम्हें दिक्कत हो जो परेशानी हो हमसे बताओ। और यही शब्दों के साथ अब तो सफलता मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो मेरा प्रयास था, इस लड़के की जो मेहनत थी, यह गुल खिलाई। इनके मेहनत पर मुझे गर्व है कि कम से कम एक किसान परिवार से उठ करके इस स्तर पर गए। इससे उम्मीद है कि हमारा परिवार आगे जाएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे और गाँवपुर के लोग भी इस नकल को करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये थे उस महान शख्स के, उन महान शख्स के चाचा जी राम प्रताप यादव जी ने बताया है कि आप स्थितियां जो भी हों, आपका विजन अगर साफ है, विजन अगर बड़ा है, तो आप हासिल कर लेंगे। मैटर कोई नहीं करता कि पिताजी किसान है या घर में कोई नौकरी है या नहीं है, मगर आपके जब विजन बना लेंगे, आप ठान लेंगे, तो सफलता मिलेगी। और मैं एक लाइन से मैं भी ख़त्म करूंगा कि किरदार खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, महान शख्स डॉक्टर राम प्रताप यादव जी, तो ये तमाम जो जर्नी थी उनकी, जिस तरह से उन्होंने गांव से निकलकर और देश ही नहीं विदेश में अपना परचम फहराया है, तो ये बहुत ही बड़ी सीख है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम गाँव गिराव के जो भी ऐसे महान शख्स हैं उन्हें खोज कर हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और उनकी कहानियां बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।